प्रिय छात्रों, बही खाता लेखा कर्म कक्षा 12वीं में हम अध्याय 10 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों का विश्लेषण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पूर्व के अध्याय में हमने वित्तीय विवरणों के बारे में जाना था कि कंपनी जो है अपनी वित्तीय स्थिति को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न वित्तीय विवरणों का निर्माण करती, उनको तैयार करती है। वित्तीय विवरण जो होते हैं ये एक प्रकार के नाम मात्र के लेखा होते हैं। यहाँ हम जो है उन वित्तीय विवरणों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। तो वित्तीय विश्लेषण से आशय जो है वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित विभिन्न वित्तीय सूचनाओं का विधिवत प्रक्रिया द्वारा उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन है। ये इसलिए है ताकि हम जो प्राप्त सूचनाएं हैं इनको हम पूर्ण रूप से समझ सकें और उसका जो प्रयोग है वो विभिन्न वित्तीय निर्णय लेने में हम कर सकें। तो यहाँ पर विश्लेषण के उद्देश्य से विभिन्न मदों का जो अध्ययन किया जाता है एवं उनका संबंध जो है वो अन्य मदों से स्थापित किया जाता है। तो जब हम वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते हैं तो उसके अंतर्गत जो विभिन्न मदों का जब हम अध्ययन करते हैं, उन मदों के बारे में हम जानते हैं, तो उन का संबंध जो है वो अन्य मदों से किस प्रकार से अलग है, भिन्न है, उनमें मदों में हम संबंध स्थापित यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ वित्तीय विवरणों के विश्लेषण हेतु विभिन्न प्रकार की तकनीकों का प्रयोग किया जाता है ताकि उसके द्वारा व्यवसाय की लाभदायकता, क्षमता, वित्तीय सुदृढ़ता अध्ययन जो है ये किया जा सके एवं उनका तुलनात्मक अध्ययन कर हम भविष्य की योजनाएं बनाई जा सकें। तो यहाँ पर जो है विश्लेषण के माध्यम से हम विभिन्न वर्षों के वित्तीय विवरण का हम विश्लेषण करते हैं, उनकी तुलना करते हैं ताकि हम उपक्रम की लाभदायकता क्षमता को जान सकें और उसकी वित्तीय आर्थिक स्थिति सुदृढ़ता को हम जान सकते हैं वित्तीय विवरण विश्लेषण के माध्यम से। इसके जो उद्देश्य हैं वित्तीय विवरण विश्लेषण के जो उद्देश्य हैं, नंबर एक है उपार्जन क्षमता का ज्ञान, अर्थात यहाँ पर कंपनी की जो आय उपार्जित करने की क्षमता है, कैपेसिटी है, वो क्या है। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से व्यवसाय की वर्तमान उपार्जन क्षमता का निर्धारण किया जा सकता है, अर्थात विनियोजित पूंजी पर उचित लाभ है अथवा नहीं। उपक्रम में जो पूंजी विनियोजित की गई, जो पूंजी लगाई गई है, उस पूंजी के अनुपात में लाभ जो है वो पर्याप्त रूप से हो रहा है अथवा नहीं, ये उपार्जन क्षमता का ज्ञान जो है वित्तीय विवरण के विश्लेषण के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। और साथ ही से भविष्य में प्रगति का हम अनुमान भी लगा सकते हैं कि भविष्य में जो है यहाँ पर विनियोजित पूंजी के आधार पर हम भविष्य में और कितना अधिक लाभ कमा सकते हैं, ये भविष्य की प्रगति का अनुमान हम वित्तीय विवरण विश्लेषण के माध्यम से लगा सकते हैं। फिर दूसरा जो है शोधन क्षमता का ज्ञान, अर्थात कंपनी के उपक्रम के जो दायित्व हैं उनका भुगतान वो किस प्रकार से कर सकती है। तो इससे व्यवसाय के द्वारा लिए गए अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों को चुकाने की क्षमता कैसी है वह धन की उपलब्धता का पता लगाने के लिए ही तरलता अनुपात ज्ञात किया जाता है। अर्थात उपक्रम के द्वारा जो अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्राप्त किए गए हैं उनको चुकाने की क्षमता किस प्रकार की है और उपक्रम में कंपनी में धन की उपलब्धता, पूंजी की उपलब्धता किस प्रकार की है, साथ ही जो विभिन्न प्रतिभूतियां हैं उनकी तरलता अनुपात किस प्रकार का है, ये शोधन क्षमता के माध्यम से हम जान सकते हैं। फिर तीसरा बिंदु जो है वित्तीय सुदृढ़ता का ज्ञान, इससे व्यवसाय के लिए धन की व्यवस्था किस प्रकार से की जा सकती है, व्यवसाय की ख्याति के अनुरूप धन प्राप्त किया जा सकता है या नहीं, अर्थात व्यवसाय की जो गुडविल है, व्यवसाय की जो ख्याति है, उसके अनुरूप व्यवसाय के विकास के लिए हम धन की व्यवस्था आगे प्राप्त कर सकते हैं अथवा नहीं। इसके लिए जो है हम अनुपात विश्लेषण का प्रयोग कर फर्म की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण हम कर सकते हैं। और इसी के साथ और उद्देश्य जो हैं इसके, फिर जैसे बजट निर्माण, वित्तीय विवरण के विश्लेषण से हम भविष्य की गतिविधियों का पूर्वानुमान लगाकर विभिन्न प्रकार के बजट बनाने में सहायता होती है और इन बजट के माध्यम से उत्तरदायित्वों का निर्धारण व लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है।
तो वित्तीय विवरण विश्लेषण के माध्यम से जो है हम भविष्य की गतिविधियों का पूर्वानुमान लगाते हैं और जो विभिन्न प्रकार के उपक्रम के जो बजट हैं उनको बनाने में हमें इसकी सहायता प्राप्त होती है। तो बजट निर्माण है, फिर यह है तुलनात्मक अध्ययन। इसमें हम क्या करते हैं, इसकी सहायता से हम गत वर्ष के जो समांक है, वित्तीय विवरण के जो आंकड़े हैं विभिन्न वर्षों के, उन वर्षों में हम तुलना करते हैं। तो ये इनकी सहायता से हम गत वर्ष के समांकों से तुलना करते हैं, जिससे हमें पता चलता है उपक्रम की लाभप्रदता, शोधन क्षमता, बिक्री व्यय आदि के जानकारी प्राप्त कर हम अन्य फर्मों से तुलना की जा सकती है। अर्थात हम यहाँ पर विगत दो वर्षों के जो है समांकों को, आंकड़ों को प्राप्त करते हैं और उनकी जो है चालू वर्ष से हम करंट वर्ष से उसकी हम तुलना करते हैं। तो इससे जो है कंपनी की लाभप्रदता की स्थिति क्या है, शोधन क्षमता किस प्रकार की है, बिक्री व्यय कितने हुए, इन तुलनात्मक रूप से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो इससे जो है संचालनात्मक क्षमता हो गई, वित्तीय स्थिति हो गई एवं लाभप्रदता का पता लगाया जा सकता है। तो ये तुलनात्मक अध्ययन। फिर मजदूर संघ, वित्तीय विवरण के विश्लेषण के माध्यम से जो है मजदूर एवं कर्मचारी संघों को व्यवसाय की लाभदायकता का विश्लेषण कर अपने वेतन वृद्धि, बोनस एवं अन्य सुविधाओं के लिए प्रबंधकों को विचार करने के लिए तैयार कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर जो कर्मचारी, जो मजदूर संघ, जो उपक्रम में काम करते हैं, वो विश्लेषण के माध्यम से उपक्रम की लाभदायकता को जान सकते हैं और इस आधार पर वो अपने लिए वेतन वृद्धि, बोनस और भी जो अन्य सुविधाएं उनको चाहिए उसके लिए वो प्रबंधकों को विचार के लिए तैयार कर सकते हैं। तो ये वित्तीय विवरण विश्लेषण के जो हैं देश हैं। अब इसके बाद महत्व, वित्तीय विवरण का महत्व क्या है, तो नंबर एक है वित्तीय विवरण विश्लेषण विश्लेषण का महत्व क्या है प्रबंधकों के लिए। वित्तीय विवरण विश्लेषण से व्यवसाय की लाभदायकता, क्रियात्मक कार्यक्षमता, वित्तीय स्थिति व तरलता की माप वित्तीय विवरण विश्लेषण से वो कर सकते हैं। तो प्रबंधकों के लिए वित्तीय विवरण विश्लेषण का महत्व इसलिए है कि वो विश्लेषण के माध्यम से व्यवसाय की लाभदायकता की स्थिति को जान सकते हैं, वित्तीय स्थिति को जान सकते हैं और साथ ही क्रियात्मक कार्य क्षमता किस प्रकार की है इस बारे में वो जान सकते हैं। फिर दूसरा जो है अंशधारियों के लिए, अंशधारी जो कि कंपनी में अपनी पूंजी लगाते हैं, तो अंशधारियों को कंपनी की वार्षिक सभा में लाभदायकता की स्थिति, व्यवसाय के परिणाम, आर्थिक स्थिति एवं प्रगति से अवगत कराया जाता है, जिससे वे लाभ व आय का विश्लेषण करते हैं। तो एक कंपनी में अंशधारियों की जो वार्षिक सभा होती है, उसमें वार्षिक सभा में जो है कंपनी के विभिन्न प्रपत्र जो उनके पास प्रस्तुत किए जाते हैं, इससे वे कंपनी की व्यवसायिक की आर्थिक स्थिति के परिणाम और प्रगति को वो जानते हैं, जिससे वो लाभ और आय का जो है विश्लेषण अंशधारी कर सकते हैं। फिर तीसरा जो है लेनदार के लिए, लेनदार कंपनी की अल्पकालीन दीर्घकालीन ऋणों की फर्म की अदायगी, फर्म की स्थिति जानकारी व तरलता स्थिति, लाभदायकता व दीर्घकालीन क्षमता का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो लेनदारों के लिए, फिर इसी प्रकार से कर्मचारियों के लिए, इसमें दर्शाए गए लाभ के आधार पर कर्मचारी जो हैं वेतन बोनस की मांग के अलावा अन्य कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन वो अपने लिए करा सकते हैं। और इसके अलावा अन्य पक्षकार हो गए, इसमें व्यवसाय के अन्य पक्षकार भी लाभान्वित होते हैं, समाज व्यवसाय को अपने क्षेत्र के विकास पर बल दे सकते हैं व अनुसंधानकर्ता व्यवसाय का विश्लेषण कर व्यवसाय को और अधिक सुचारू रूप से चलाने में अपने सुझाव दे सकते हैं। तो उपरोक्तानुसार जो है वित्तीय विवरण विश्लेषण का जो महत्व है प्रबंधकों के लिए, अंशधारियों के लिए, लेनदारों के लिए है और कर्मचारियों के लिए और अन्य पक्षधारियों के लिए। अब इसकी जो टेक्निक है, वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीक या उपकरण हम किस प्रकार से जो है विश्लेषण कर सकते हैं, उसकी तकनीक जो है वित्तीय विवरणों को सरल एवं समझ में आने योग्य रूप में प्रस्तुत करने के लिए इनका विश्लेषण किया जाता है। इनके विश्लेषण के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीक,
उपकरण या जो साधन है वो निम्न है। तो नंबर एक जो है तुलनात्मक विवरण, जिसमें हम तुलनात्मक रूप से यहाँ पर चर्चा करते। दूसरा सम आकार विवरण, तीसरा अनुपात विश्लेषण, चौथा प्रतिशत प्रवृत्ति विश्लेषण, फिर रोकड़ प्रवाह विवरण, फिर कोष प्रवाह विवरण। तो ये छह प्रकार के जो हैं ये वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीक या उपकरण कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम पहला देखते हैं नंबर एक तुलनात्मक विवरण क्या है। तुलनात्मक विवरण जो है एक उपक्रम के अंतर्गत दो या दो से अधिक अवधि के समंकों को, दो या दो से अधिक अवधि के वर्षों के समंकों को तुलनात्मक रूप में हम प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ ये देखा जाता है कि उनमें किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। अर्थात जब दो वर्षों के हम समंकों के आधार पर हम तुलना करते हैं तो ये देखते हैं हम कि विभिन्न विवरणों में किस प्रकार का यहाँ पर परिवर्तन हुआ है। तो विश्लेषण को प्रभावी बनाने के लिए वृद्धि या कमी को प्रतिशत के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। तो ये कहलाता है तुलनात्मक विवरण। इसके अंतर्गत हम जो है दो वर्षों के समंकों या आंकड़ों को एकत्रित करते हैं और तुलनात्मक रूप से ये देखते हैं कि उन दो वर्षों में जो है आपस में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है। यदि पॉजिटिव धनात्मक परिवर्तन है तो वो बेहतर है, या ऋणात्मक भी हो सकता है। तो यहाँ पर विश्लेषण को और हम प्रभावी बनाने के लिए जो है उसकी वृद्धि या कमी को हम प्रतिशत के रूप में दिखा सकते हैं। दूसरा जो है सम आकार के विवरण। ये समान आकार के विवरण भी हैं जिनमें वित्तीय विवरणों की विभिन्न मदों को एक समान अधिक आधार पर प्रतिशत के रूप में परिवर्तित किया जाता है। विवरण की प्रत्येक मद को उससे संबंधित कुल राशि के प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है और प्रत्येक मद का प्रतिशत कुल योग से संबंध को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार यहाँ जो ये विवरण पत्र तैयार होता है, एक विश्लेषक को एक ही उद्योग की विभिन्न आकार की दो कंपनियों के संचालन एवं वित्तीय विशिष्टताओं की तुलना करने की अनुमति देता है। इस विश्लेषण को हम जो है अनुलंब विश्लेषण के नाम से भी जानते हैं। तो सम आकार के विवरण जो हैं विभिन्न मदों को जो हम एक समान आधार पर विभिन्न प्रतिशत के रूप में यहाँ पर हम परिवर्तित करते हैं। विवरण की प्रत्येक मद को जो है उससे संबंधित कुल राशि के प्रतिशत के रूप में हम उसको दिखाते हैं। यहाँ पर जो है प्रत्येक मद का प्रतिशत जो है कुल योग से संबंध को प्रदर्शित करता है। तो ये जो अनुलंब विश्लेषण है, फिर है अनुपात विश्लेषण। इसमें हम अनुपात के द्वारा एक संख्या को दूसरी संख्या की तुलना में प्रकट किया जाता है। अर्थात एक आंकड़े को हम दूसरे आंकड़े की तुलना करके यहाँ हम इसे प्रकट करते हैं। इसमें दो भिन्न संख्याओं में आपस में संबंध स्पष्ट हो जाता है। जब वित्तीय विवरणों की विभिन्न मदों के समूह आपस में संबंध स्पष्ट किया जाता है तो ये अनुपात जो है वो अनुपात विश्लेषण कहलाता है। तो ये दूसरा जो है समाकार के विश्लेषण और तीसरा आनुपातिक विश्लेषण। फिर चौथा जो है प्रवृत्ति विश्लेषण। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, पिछले वर्षों के आंकड़ों का उपयोग करते हुए प्रवृत्ति का विश्लेषण जो है चयनित आंकड़ों में एक अवधि के दौरान आए हुए बदलावों का अवलोकन करके किया जा सकता है। तो पिछले वर्षों को जो है आंकड़ों का हम उपयोग करते हैं और एक निश्चित अवधि में जो है जो उसमें बदलाव हुए हैं उनको हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं। ये एक जो है दीर्घकालिक विचार है, ये एक लंबे समय तक के लिए प्रक्रिया है। ये विश्लेषण जो है वो लंबे समय तक के लिए किया जाता है और ये व्यवसाय की प्रकृति के आधारभूत बदलाव के बिंदु को बताता है। इससे ये पता चलता है कि अनुपात गिर रहा है या बढ़ रहा है या स्थिर है, ये जाना जाता है प्रवृत्ति विश्लेषण के माध्यम से। फिर पांचवा है रोकड़ प्रवाह विश्लेषण। ये किसी संस्थान में विभिन्न साधनों से प्राप्त और उपयोग में लाई गई रोकड़ का क्या होता है, विवरण होता है। तो एक उपक्रम में जो विभिन्न संसाधनों के माध्यम से जो रोकड़ प्राप्त होती है और उस रोकड़ को जिस तरह से उपयोग किया जाता है उसका क्या होता है, एक संपूर्ण विवरण होता है। ये क्या करता है, व्यवसाय
में रोकड़ का ज्ञान कराता है। रोकड़ प्रवाह विवरण वित्तीय विवरण का उपयोग करने वाले के लिए सूचना का कार्य करता है। यहाँ रोकड़ प्रवाह विवरण जो है ये वित्तीय विवरण के लिए जो है एक सूचना का कार्य करता है। इस प्रकार रोकड़ प्रवाह जो है विवरण क्या है, एक उपकरण है जिससे व्यवसाय की तरलता एवं शोधन क्षमता का ज्ञान होता है। अर्थात व्यवसाय उपक्रम में जो है रोकड़ का प्रवाह किस प्रकार का, किन साधनों से रोकड़ आ रही है और किस प्रकार से किन साधनों से रोकड़ जा रही है, और साथ ही जो रोकड़ की तरलता है और उसका भुगतान जो शोधन क्षमता है, इसकी जानकारी हमें रोकड़ प्रवाह विश्लेषण के माध्यम से प्राप्त होती है। फिर है अंतिम यहाँ पर कोष प्रवाह विवरण। एक उपक्रम जो है अपनी वित्तीय गतिविधियों के लिए विभिन्न कोषों का निर्धारण करती है, तो कोष प्रवाह विवरण जो है दो चिट्ठों की तिथियों के मध्य वित्तीय स्थिति में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। कोषों में जो विभिन्न दो वर्षों में उनमें जो परिवर्तन हुआ उसको ये दिखाता है। कोष प्रवाह विवरण जो है व्यवसाय की वित्तीय एवं विनियोग संबंधी क्रियाओं के बारे में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराता है। वास्तव में जो है ये विवरण अतिरिक्त सूचना प्रदान करने का क्या है, एक साधन है, क्योंकि वित्तीय विवरण केवल परिणाम को बताते हैं। तो कोष प्रवाह विवरण में रोकड़ कहाँ से आई, कहाँ से प्राप्त और कहाँ गया, विवरण के नाम से जाना जाता है। कोष प्रवाह जो है वो वित्त कहाँ से प्राप्त हुआ और कहाँ गया, इस नाम से ये जाना जाता है। तो इस प्रकार से कोष या फंड का जो अभिप्राय है वो कार्यशील पूंजी से लगाया जाता है। कोष प्रवाह का विवरण का जो मुख्य अभिप्राय है वो यहाँ पर कार्यशील पूंजी से लगाया जाता है। इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं। वित्तीय विवरण विश्लेषण से क्या आशय है समझाइए। वित्तीय विवरण विश्लेषण के विभिन्न उद्देश्यों को समझाइए। तीसरा जो है वित्तीय विवरण विश्लेषण के महत्व को समझाइए। साथ ही यहाँ पर वित्तीय विवरण विश्लेषण की जो तकनीकें हैं, जो विभिन्न विधियाँ हैं, उन विधियों को, उन तकनीकों को आपको बताना है। तो जैसे तुलनात्मक विवरण हो गया, श्रम आकार विवरण विश्लेषण हो गया, फिर अनुपात विश्लेषण हो गया, और अंतिम जो है रोकड़ प्रवाह एवं कोष प्रवाह विवरण विश्लेषण। इनके बारे में आपको समझाना है।